ये है मेड अली का एरिया और आज हम लोग इस साइड जाएंगे और थोड़ा सा देखेंगे गांव के साइड में कैसा रहता है यहाँ पे। अगर मैं वो सीधा रास्ता चला जाता तो क्यारपुरम आता और ये गांव के अंदर जाएगा और यहाँ से एक शॉर्टकट भी है व्हाइटफील्ड जाने के लिए। मैं सोच रहा हूँ आज आप लोगों को मैं बताऊँगा कि मैंने कैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, फिर उसके बाद बताऊँगा कि आप लोगों को मैं कैसे प्रमोट करूँगा। स्टार्टिंग में मैं भी दो तीन लोगों को देखा था यूट्यूब पे और वो लोग साइकिलिंग वीडियोस बनाते थे, तो मैं भी सोचा कि मैं भी साइकिलिंग वीडियोस बनाऊंगा। तब भी मैंने एक नया साइकिल भी खरीदा था और उसके बाद मैंने भी स्टार्ट कर लिया कि यूट्यूब पे वीडियोस डालूंगा। आप मेरे चैनल की स्टार्टिंग दो वीडियोस देखेंगे तो वो साइकिलिंग ब्लॉग्स ही होगा। तो मेरा सेकेंड वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैं एयरपोर्ट गया था, तो एयरपोर्ट जाने के बाद मेरे पाँव में इतना दर्द हुआ क्योंकि मुझे तब पता नहीं था कि ब्रेक लेकर चलाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है या बीच में रुकना पड़ता है, ये सब मुझे पता नहीं था। बस मैं घर से निकला, एयरपोर्ट पहुंचा, फिर एयरपोर्ट से फिर से साइकिल पे बैठा और घर आ गया और जो पेन हुआ, बाप रे। मैं ये लॉकडाउन तक साइकिलिंग किया ही नहीं, इसके बीच में मैं बस में ट्रैवल करता था और वीडियोस बनाता था, और जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो बसेस भी बंद हो गया, तब मुझे याद आया कि हाँ मेरे पास साइकिल है, तो मैं तब फिर से साइकिलिंग करना शुरू किया। तो नवंबर में मैं स्टार्ट किया था 2019 में, और 2020 तक नवंबर में मेरा बस सब्सक्राइबर्स 300 या 400 ही थे और बहुत कम थे एक्चुअली। एक साल यूट्यूब पे होकर भी आपको सिर्फ 400 सब्सक्राइबर एक साल में, मगर मैं फिर भी अपने आप को मोटिवेटेड रखा क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ साइकिलिंग वो मेरा फेवरेट एक्टिविटी है। भले सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, मुझे वीडियो डालना ही था। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरा चैनल ग्रो होने लगा एक साल के बाद। अपने यूट्यूब जर्नी में अभी तक जितना भी हुआ है सब्सक्राइबर, ना मैंने किसी से प्रमोट करने के लिए कभी बोला है ना कभी कुछ भी, और जो भी धीरे धीरे ही हुआ, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो गया मेरा यूट्यूब पे। अब भी जाके मेरा 900 सब्सक्राइबर हुआ है और इस जर्नी में मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। अगर कोई शॉर्टकट लेता जहाँ पे मैं किसी और को बोलता कि मेरे चैनल को प्रमोट कर दो और प्रमोट हो भी जाता तो क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते, मगर जो जेन्यून सब्सक्राइबर होते हैं वो नहीं मिलते मुझे, और जो मैं सीखा हूँ वो नहीं सीख पाता। अभी जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं उन सबको यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए बस लोगों को बोलने में कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मुझे प्रमोट कर दो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सब्सक्राइबर ही बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बस वीडियोस बनाते रहो, अपने चैनल पे डालो, सो दैट अपने आप ही यूट्यूब ना, अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे और रेगुलर वीडियोस डालते रहेंगे तो मैं 100% लिख के देता हूँ कि आप लोगों का चैनल ग्रो हो जाएगा। सो जो भी नए यूट्यूबर हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे सपोर्ट करो, तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि भाई आप पहले खुद अपने से ट्राई कीजिए, 500 सब्सक्राइबर अपने आप से गेन करना के लिए ट्राई कीजिए। मुझे पता है आप लोगों में इसमें कैपेबिलिटी है कि आप लोग 500 सब्सक्राइबर खुद गेन कर पाएंगे। वीडियोस ना आप अपने दोस्त लोग के साथ शेयर मत कीजिए क्योंकि वो लोग देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे और छोड़ देंगे, उसके वजह से क्या होगा, आपका वॉच टाइम ख़राब हो जाएगा और एक बार ऑडियंस रिटेंशन ख़राब हो गया उसके बाद यूट्यूब भी वो वीडियो को प्रमोट नहीं करेगा। तो आप लोगों को सिर्फ वीडियो बनाना है, शेयर वेयर वहीं पे करिए जहाँ पे आपको लगता है कि वो लोग वीडियोस देखेंगे। और अगर आप लोग 500 सब्सक्राइबर खुद गेन कर लेते हैं उसके बाद मैं आप लोगों को मैं लिख के देता हूँ कि आप लोग खुद ही बोलेंगे कि भाई प्रमोट करने का ज़रूरत नहीं है,
मेरे चैनल पे खुद ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। 500 होने के बाद भी अगर आपका चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो मैं प्रमोट करूंगा। हाँ, मुझे मालूम है मेरे चैनल पे भी उतना सब्सक्राइबर नहीं है, अगर मैं बोलूंगा तो एटलीस्ट आई थिंक कि 10 मेंबर तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे और 10 लोग शायद आपके चैनल चेक भी कर रहे हैं। तो इतना तो हेल्प मैं कर सकता हूँ। ये जो 1000 सब्सक्राइबर्स है और इसे आप अगर जेन्यून तरीके से गेन कर लेंगे ना तो आप यूट्यूब जर्नी में आराम से सक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब में कभी व्यूज बहुत ज़्यादा आएंगे कभी नहीं आएंगे। तो ये जो 1000 सब्सक्राइबर का स्ट्रगल रहेगा वही आप लोगों को मदद करेगा यूट्यूब में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप लोगों को ये इनिशियल फेज याद रहेगा कि हाँ बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होता है, मगर ग्रोथ होता है यूट्यूब पे। तो फ्यूचर में जब आप लोगों का 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा और उसके बाद ग्रोथ रुक जाएगा तो आप लोगों को पता होगा कि हाँ भाई बस यूट्यूब पे वीडियोस डालते रहना है और फिर से चैनल ग्रो होगा। और बोलते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो भाई मीठा फल चाहिए तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो प्रमोट करके अगर आप लोगों को सब्सक्राइबर मिल जाएगा तो वो फल मीठा नहीं रहेगा, खट्टा रहेगा। तो पका हुआ फल चाहिए तो आप लोगों को मेहनत करना ही पड़ेगा। 3-4 दिन के बाद आया था साइकिलिंग करने के लिए, तो बस थोड़ा सा ही किया। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है उनको दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, आप लोग भी पहले साइकिलिंग कीजिए और जब थक जाएंगे घर में बैठेंगे तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।